नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के बारे में जो खबर छपी थी कि 2022 के बाद से शिक्षा मित्र सेवा को बंद कर दिया जाएगा, शिक्षा मित्र की प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाएगा, तो उस संबंध में सबसे एक कमेंट करके हमसे पूछा गया था कि क्या सर हम कैसे अपने सुझाव भेज सकते हैं, तो उसी पर आज हमने वीडियो बनाई है। तो इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार आप किस तरीके से अपने सुझाव MHRD मंत्रालय को भेज सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी होते ही इसमें संशोधन के लिए देश भर से सुझाव मांगे गए हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 5.1.8 में पैरा टीचर शिक्षा कर्मी और शिक्षा मित्रों की प्रैक्टिस को बंद करने के लिए कहा गया था। इस बिंदु पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में रोष दिखाई दिया और वे अपने भविष्य के लिए चिंतित नजर आए। लेकिन आपको बताएं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इस ईमेल पर शिक्षा मित्रों ने अपने सुझाव भेजना शुरू कर दिया है। सुझाव में एक तरफ से शिक्षा मित्रों को इस शिक्षा व्यवस्था में स्थायी पद देने की बात कही जा रही है। अगर आप भी शिक्षा मित्र हैं तो आप भी अपनी ईमेल आईडी से सुझाव भेज सकते हैं। जितने ज़्यादा मेल जाएंगे शायद उस पर उतना ही अमल हो। कैसे भेजेंगे अपना सुझाव? अगर आप अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो MHRD मंत्रालय द्वारा जारी ईमेल nep.edu@nid.in पर मेल कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, या चाहें तो आप इसे बाजार में जाकर भी मेल करवा सकते हैं। 10 या 20 रुपये में कोई भी इसे मेल कर सकता है। इसके बाद है कि सुझाव भेजने की आखिरी तारीख आखिर क्या है। तो इस ईमेल पर आप अगर अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो MHRD द्वारा जारी इस ईमेल पर nep.edu@nic.in पर मेल करने की आखिरी तारीख 30 जून है। 1 जून से 30 जून के बीच आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। तो शिक्षा में सुझाव में आखिर क्या लिखें, इसके लिए सोशल मीडिया पे एक दो सैंपल दिखाई दिए, उसी में से हमने आपको ये सैंपल दिए हैं। उसमें लिखा है कि महोदय, नई शिक्षा नीति 2019 में सुझाव आया है कि शिक्षा मित्रों को 2022 तक विभाग से पृथक कर दिया जाएगा। श्रीमान जी, यह निर्णय अनुचित है। इसके कारण उत्तर प्रदेश के लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और जीविकोपार्जन करने में असफल हो जाएंगे। महोदय, शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन काल का महत्वपूर्ण 18 वर्ष का समय प्राइमरी स्कूल के शिक्षा कार्य में लगाया है। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लाचार स्थिति में थी, उस स्थिति में गांव गरीब किसानों के नौनिहालों को शिक्षित किया है। आज की स्थिति में शिक्षा मित्र NCT के मानने के अनुसार स्नातक एवं BTC है, वह आज योग प्रशिक्षित है। अतः आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है कि नई शिक्षा नीति में उक्त सुझाव को हटाते हुए शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करने की व्यवस्था शिक्षा नीति 2019 में शामिल की जाए। महोदय जी की महती कृपा होगी। भवतीय, यहाँ आप अपना नाम लिखें और अपना एड्रेस लेके फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ये थोड़ा लंबा लेटर है, इसके अतिरिक्त आप अगर आप छोटे शब्दों में अगर लिखना चाहते हैं तो एक एक सैंपल और मिलाता है, जिसमें सेवा में श्रीमान MHRD मंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, विषय नई शिक्षा नीति, पेज नंबर 123, पैरा P5.1.8 में संशोधन के संबंध में। महोदय, अवगत हो कि आपके MHRD मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के विषय में सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें पेज नंबर 123 पैरा P5.1.8 में कहा गया है कि 2022 के बाद पैरा टीचर्स यानी शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र आदि, जिस नाम से भी राज्य में जाने जाते हैं, शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त पेज नंबर 123 पैरा 5.1.8 स्पष्ट यह भी दिशा निर्देश दें कि जो पैरा टीचर 2 वर्ष BTC NCT द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण मानक को पूरा कर लें, उन्हें राज्य सरकार ट्रेंड वेतनमान पर समावेश करे, ताकि पैरा टीचर्स की शेष उम्र बिना किसी तनाव के शिक्षण कार्य करते हुए गुजरे। भवदीय, आप अपना नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ये दो सैंपल से सोशल मीडिया से उठाए हैं, आप अपने और भी विचार इस ईमेल पर भेज सकते हैं। वेबसाइट पर हम विजिट करने के लिए, एक्चुअली हमारी वेबसाइट है govindgopal.com, इस पर आपको ऐसे और भी सैंपल मिल जाएंगे और भी सुझाव मिल जाएंगे जो आप MHRD मंत्रालय को इस ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से जो भी आपको सुझाव पसंद हो उनको कॉपी करना है और ईमेल में जाके पेस्ट कर देना है और भेज देना है। अगर आप मेल करना नहीं जानते हैं तो चलिए हम वो भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे मेल कर सकते हैं।
के लिए आप अपने मोबाइल में जाइए और जीमेल ऐप पर क्लिक कीजिए। जीमेल के नीचे आपको एक पेंसिल दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोज का बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ टू में लिखना है आपको nep.edu.at.in और सब्जेक्ट में लिखाना है नई शिक्षा नीति में सुझाव के संबंध में। कंपोज में जाके आप उसको अपने मेटर को पेस्ट कर सकते हैं और सेंड के बटन पर क्लिक करके इसको भेज सकते हैं। इस ईमेल को और को भेजने के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को और साथियों के साथ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त गोपाल सिंह, नमस्कार।